हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यू ईयर कलेक्शन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत खूबसूरत सूट्स जो कि फुल प्रिंटेड हैं, बट जो इनका फैब्रिक है, जो इनका कलर कॉम्बिनेशंस हैं, जो इनका जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा लाजवाब है। चलिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज नूर प्रिंटेड लोन वॉल्यूम 1 बाय कॉस्मोस। हम जल्दी से चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस सेट में टोटल 8 पीस थे तो मैं आज आपको जो है सिर्फ 5 दिखाने वाली हूँ, क्योंकि बाकी के 3 सेल हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी उनकी पिक्चर्स दिखा के अच्छे से बता दूंगी, क्योंकि इसमें ऐसा है कि दो सेम डिज़ाइंस में डिफरेंट शेड्स थे, तो मैं आपको वो बता दूंगी कौन सा शेड था किस डिज़ाइन में, तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये मैंने उन बात उनके लिए कही है जिनको सेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अगर आपको सेट्स लेने हैं तब भी मिल जाएगा, और सिंगल पीसेस लेना है तब भी मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पीस से। ये है 3201। ये वाला जो शेड है ये बहुत ही प्यारा है, मतलब ऐसा है कि कोई भी एज ग्रुप का इसको बनाए तो ये सब पर ही अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला जो पीस है ये इतना खूबसूरत है। इसका जो शेड है ना वो पिंक से थोड़ा सा डार्क है, एंड पिंकिश रेड जिसे कह सकते हैं। वीडियो में आ जाएगा कलर एग्जैक्ट। ये देखिए, ये साइड में जो दी हुई है इसकी स्लीव्स दी हुई हैं, ये मैंने आपको फ्रंट वाला पार्ट दिखाया है इसका। देखिए मैं आपको पास से दिखाऊंगी एक बार, ये वाला सूट पास से दिखाती हूँ। बाकी सब में जो भी है ये सब प्रिंटेड है, तो ऐसा पास से कोई दिखाने का तो वो नहीं है, लेकिन बारीक है बहुत, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी हुई है। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसका बैक। बैक भी फुल प्रिंटेड है, ये साइड में दी हुई है इसकी स्लीव्स। और ये वाला जो फैब्रिक है ये बॉटम के लिए दिया हुआ है, ये थोड़ा सा क्रीम शेड में है फैब्रिक। और मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा जो है वो कलर कॉम्बिनेशन वही है जो इसके टॉप का है एंड बॉटम का है, उनको दोनों को साथ मिला के इन्होंने दुपट्टे का प्रिंट दिया है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पीस की तरफ। हमारा नेक्स्ट पीस है 3202। ये जो हमारा शेड है ये पर्पल शेड में है, मतलब ग्रे के साथ इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन में लेके पर्पल करा है। पर्पल बहुत डार्क पर्पल वाला है और बाकी सब ग्रे है, तो ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। इसके सारे सूट्स बहुत अच्छे हैं। देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सामने से इसका फ्रंट दिखा रही हूँ। इसमें नेक के लिए दिया हुआ है प्रिंट, और ये नीचे दामन हो गया, और ये साइड में हो गई इसकी स्लीव्स। देखिए साइड में स्लीव्स दी हुई है, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी अगर हेल्दी इंसान बनवाना चाहे उसका भी बन जाएगा, बाकी अगर कोई बनवाना चाहे उसका भी, क्योंकि स्लीव्स देखिए अलग से दी हुई है, तो कपड़ा इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बॉटम का फैब्रिक है, आप देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा है ये, तो इसमें आराम से आप शलवार बनाइए, आप कुछ करवाइए, या फिर आप ऊपर टॉप पर कुछ भी डिज़ाइनिंग डलवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आराम से इसमें कपड़ा निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा। दुपट्टा हमारा ग्रे में है जिसपे कि डार्क पर्पल से प्रिंटेड शेड दिया हुआ है। अच्छा, दुपट्टे की भी लंबाई चौड़ाई बहुत प्यारी, बहुत अच्छी दी हुई है उसमें, बिल्कुल भी एक्चुअली क्या होता है किसी किसी में कम आती है नो डाउट, तो उसमें हम लोग बता देते हैं, लेकिन जिसकी लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है हम उसका भी बता देते हैं। इसमें बहुत अच्छी दी हुई है लेंथ भी और वेथ भी। अच्छा, मैं जो आपको दुपट्टे करके दिखा रही हूँ डबल करके दिखा रही हूँ, तो उसमें लेंथ आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छी ही दी हुई है। और ये देखिए, ये हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। ये वाला पीस हमारा ब्लू शेड में है, डार्क ब्लू शेड में। आपने तो देख ही लिया होगा इसके कलर कॉम्बिनेशन सबके बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, वो बैक साइड थी, मैं आपको दिखा रही हूँ इसका फ्रंट। ये देखिए, ये है इसका फ्रंट, नेक के लिए प्रिंट दिया हुआ है और नीचे दामन दिया हुआ है। ये है साइड में इसकी स्लीव्स, और ये जो मैंने उस वक्त आपको दिखाया था ये इसका बैक वाला पार्ट था, ये बैक वाला पार्ट है।
ये हो गया हमारा, ब्लू ही शेड में है, ये बॉटम का फैब्रिक है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका दुपट्टा, इसका दुपट्टा जो है हमारा क्रीम शेड में है। क्रीम के साथ असल में क्या होता है ना, ये इसमें जितने भी सूट्स हैं उसमें ना क्या करा हुआ है कि जितने भी शेड टॉप के वाले पार्ट में और बॉटम के पार्ट को मिक्स करके इन्होंने प्रिंट दिया है दुपट्टे में। तो देखिए दुपट्टा का जो बेस है वो तो क्रीम शेड का है और उसके ऊपर पिंक, येलो एंड डार्क ब्लू से प्रिंटेड उन्होंने प्रिंट दिए हुए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पीस की तरफ। ये पीस है 3204। ये जो है हमारा मस्टर्ड शेड में है, डार्क येलो जो होता है, बहुत डीप डार्क येलो। ये देखिए ये हो गया हमारा फ्रंट, साइड में स्लीव्स। देखिए ये हो गया हमारा फ्रंट, ये वाला नेक वाला पार्ट है, ये पूरा फ्रंट है, साइड में सबकी तरह स्लीव्स दी हुई है इसमें, और ये वाला बैक वाला पार्ट है, ये बैक वाला पार्ट है, और ये इसकी हो गया वही मस्टर्ड शेड में इन्होंने दिया हुआ है इसका बॉटम। एंड दुपट्टा दिखाती हूँ मैं आपको, दुपट्टा इसका सेम मस्टर्ड शेड में ही है जिसपे कि पिंक एंड ग्रीन कलर के फ्लावर्स हैं, प्रिंट है पूरा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पीस की तरफ। देखिए ये है 3205, ये वाला पीस सेल हो चुका है। ये जो मैंने आपको पिंक वाला पीस दिखाया था अभी सबसे पहले, ये उसी का, देखिए ये वाला जो पीस दिखाया था मैंने आपको अभी सबसे पहले इस वीडियो में, ये उसी में का दूसरा है। तो सब कुछ सेम है, बस कलर जो है इसका ब्लैक है। 3206 ये वाला जो शेड था हमारा, ये थोड़ा सा ग्रीन शेड में था। ये वाला जो मैंने अभी आपको पर्पल दिखाया था, पर्पल विद ग्रे का कॉम्बिनेशन, ये उसी का दूसरा कलर है। अब हम चलते हैं लास्ट डिजाइन की तरफ, ये है 3207। ये जो मैंने अभी आपको मस्टर्ड शेड दिखाया था, ये उसी का दूसरा कलर है। ये देखिए ये ग्रीन शेड में है ना, तो ये मतलब प्रॉपर ग्रीन है ना, ये प्रॉपर ब्लू है, कुछ बीच में है लेकिन ग्रीन की तरफ ज़्यादा है। तो ये देखिए ये इसका सेम वही पीस है मस्टर्ड की मस्टर्ड शेड में जो मैंने आपको दिखाया था रिसेंट, उसी का दूसरा कलर है। तो सब कुछ इसमें सेम है एज इट इज़। दुपट्टा भी देखिए कलर वही है, सूट वाला ही, जैसे मस्टर्ड में दुपट्टा मस्टर्ड शेड का था, इसमें दुपट्टा वही ब्लूइश ग्रीन शेड का है। ये देखिए चलिए ये हो गए हमारे सारे पीस, इसके में हमने कवर कर लिए हैं। और मैं अब आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए मुझे एक चीज़ क्लियर करनी है इस वीडियो में। कुछ लोग की शिकायत आती है कि वीडियो एंड पिक्स से जो कलर होता है वो थोड़ा सा डल आया है, ऐसा है वैसा आया है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि देखिए आप नॉर्मल पिक्चर्स भी देखेंगे अगर आप अपनी, तो उसमें भी थोड़ा सा ब्राइट ज़्यादा होता है। तो ये हमारे हम लोग अपनी तरफ से नहीं करते, कैमरा इफेक्ट की वजह से ही ऐसा होता है कि ब्राइटनेस जो सूट की और वीडियो में जो आती है वो थोड़ा सा कलर जो है वो ब्राइट होकर ही लगता है। तो आप इतना तो मतलब ये जब आप परचेज करें तो इसको दिमाग में रख के कीजिए कि कलर जो है थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। कलर देखिए ज़्यादा ब्राइट तो नहीं होगा, मैं आपको कलर बता देती हूँ वही कलर निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ब्राइट चमकता हुआ सा लगेगा, वैसा नहीं होगा। वैसा तो देखिए सिर्फ पिक्चर्स एंड वीडियोज़ में होता है, बाकी आप लोग सब चीज़ें अपने माइंड में रख के फिर ही मुझसे परचेज़ कीजिए। क्योंकि देखिए सूट तो आपको एग्जैक्ट हम लोग यही देते हैं जो हम आपको वीडियोस में दिखाते हैं, बाकी अभी तक हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है। बट फिर भी एक बार क्लियर करना ठीक रहता है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग जो भी लें मुझसे, फिर भी अगर आप चाहें तो मुझसे वैसे भी मांग सकते हैं, मैं आपको अपनी फ़ोन से एज नॉर्मल वीडियो बना के सेंड कर दूँगी। तो आप वैसे भी बस मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लिया करिए कोई भी क्वेरी हो तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।